स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर एक और नई प्रेस अपडेट के साथ। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2021 आयुक्तालय जयपुर नॉर्मलेशन को लेकर बड़ी खबर। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती नॉर्मलेशन को बड़ी खबर। आज के न्यूज़पेपर के अंदर बड़ी अपडेट है ये कि आयुक्तालय जयपुर के अंदर जिस प्रकार पहली शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट के बीच नॉर्मलेशन हुआ है उसको लेकर बड़ी अपडेट देगी दोस्तों इस अपडेट के साथ। आज के न्यूज़पेपर के अंदर ये दोस्तों देख सकते हैं न्यूज़, इसके अंदर बताया गया है कि बिना प्रावधान क्यों अपनाई नॉर्मलेशन पद्धति। जयपुर से खबर है, राजस्थान हाई कोर्ट ने कांस्टेबल भर्ती 2021 में अधिक अंक लाने के बावजूद नियुक्ति नहीं देने और बिना प्रावधान नॉर्मलेशन करने पर गृह सचिव ADG भर्ती और जयपुर पुलिस कमिश्नर से जवाब मांगा। न्यायाधीश महेंद्र कुमार गोयल की एकल पीठ ने यह आदेश लेखराज व अन्य की याचिका पर दिए। याचिका में अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने जयपुर कमिश्नरेट के आयोजित कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा में शामिल हुआ था। विभाग की ओर से जारी परीक्षा परिणाम में उसकी पारी में परीक्षा देने वाले बहुत कम परीक्षार्थियों को ही चयन हुआ। वहीं विभाग ने नॉर्मलेशन कर याचिकाकर्ताओं के अंक कम कर दिए, जबकि भर्ती विज्ञापन में नॉर्मलेशन करने की शर्त ही नहीं थी। वही परिणाम जारी करने के दौरान ना तो सफल अभ्यर्थियों के वो कट ऑफ बताए गए और ना ही उनके वर्ग सार्वजनिक किया गया है, यानी कि कौन से अभ्यर्थी किस कैटेगरी से हुए। इसके साथ याचिकाकर्ताओं के अधिक अंक होने के बावजूद भी उसे नियुक्ति से वंचित कर दिया गया, यानी कि हाईकोर्ट ने अभी तो ADG और जयपुर पुलिस कमिश्नर से जवाब मांगा कि आपने किस आधार पर पुलिस भर्ती में नॉर्मलेशन की प्रक्रिया को अपनाया। यानी कि अब तो जयपुर से जितने भी अभ्यर्थी तो सफल हुए और वो जितने भी अभ्यर्थी कुछ अंकों से असफल हुए तो उनके लिए तो बड़ी खुशखबरी देखने को मिल सकती है, क्योंकि दोस्तों अभी ये भर्ती प्रक्रिया में तो हाईकोर्ट की अपडेट देखने को मिल सकती है, यानी कि तो जिन्होंने तो याचिका लगाई है अब हाईकोर्ट उसके बारे में तो क्या फैसला सुनाता है, यानी कि अब नॉर्मलेशन के जिनके अंक वो कम हुए क्या उनके अंक बढ़ सकते हैं, इसको लेकर जो भी अपडेट आएगी सबसे पहले आपको जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों तो वेटिंग लिस्ट से भी बहुत सारे दोस्तों के मैसेज आ रहे कि सर वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। तो दोस्तों 100% वेटिंग लिस्ट आने की उम्मीद है, क्योंकि दोस्तों एक ही अभ्यर्थी वो दो तीन जगह से सिलेक्शन हुआ है तो वो तो फाइनल रूप से अंतिम तो चयन उसका एक ही जगह से होगा। इसके बाद जहाँ से उसका फाइनल वो चयन हुआ है और वहाँ से वो ज्वाइन नहीं करेगा तो वहाँ की 100% वेटिंग आएगी। इसके अलावा और भी कोई अपडेट आएगी सबसे पहले जानकारी दी जाएगी। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।